बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जुलाई बुध का दिन। महकमा मौसमियात और मौसमियाती मॉडल्स की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में अवेलेबल है, वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखें, शुक्रिया। मुकम्मल तफसीलात जानने से पहले छोटी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को दबा दो। सिंध के बड़े शहर कराची के हवाले से बात करते चलें कि कराची में आज शाम रात के दौरान मौसम कैसा रहेगा। कराची में आज वबके वबके से बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ और शाम रात के दौरान आज बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा 3 रोज़ के बाद शदीद तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिशों का इम्कान है और कराची के अलावा सिंध के साहली पट्टियों में और भी इलाके हैं, जैसे थरपारकर, उमरकोट, मिट्टी बदीन, सिजावल, नूरियाबाद में आज वबके वबके से हल्की बारिशों का इम्कान है। शाम रात के दौरान बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। और थरपारकर की बात करते हैं चलें कि थरपारकर में आज भी क्लाउड्स मौजूद हैं और ये क्लाउड्स जुलहज वाली ईद के बाद हुए थे और अभी भी ये क्लाउड्स जारी हैं, क्लाउड्स ख़त्म नहीं हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये क्लाउड्स 2-4 दिन जारी रहेंगे और वबके वबके से हल्की बारिश जारी रहेगी। सिंध के बालाई मगरबी इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। आइंदा 5 रोज तक मौसम गर्म और खुश्क रहेगा और आज रात सिंध के बालाई इलाकों में सखर, लाड़काना, कश्मोर में बूंदाबांदी पड़ सकती है। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट अगली वीडियो में बताएंगे। और आप सबसे छोटी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, शुक्रिया।